ये 2006 का ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्वेश्चन है। देखिए 2010 तक प्रीलिम्स में सीसैट के बजाय ऑप्शनल पेपर आया करता था, तो क्योंकि इसको यूपीएससी ने पहले पूछा है तो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन कभी रिपीट हो सकता है। तो हम इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। हमें इस क्वेश्चन में तीन पेयर्स दे रखे हैं, सेंट पीटर्सबर्ग, गल्फ ऑफ फिनलैंड, स्टॉकहोम, बाल्टिक सी एंड ओस्लो, नॉर्वेजियन सी। तो हमें पता करना है कि इन पेयर या पेयर्स में से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। इस क्वेश्चन में हमें तीन वाटर बॉडीज इन्होंने दे रखी हैं, गल्फ ऑफ फिनलैंड, बाल्टिक सी एंड नॉर्वेजियन सी। तो हम सबसे पहले उन तीनों को देख लेते हैं। तो देखिए ये तो है गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये है बाल्टिक सी और ये है नॉर्वेजियन सी। तो ये है सेंट पीटर्सबर्ग, ये रशिया का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है और इसके ऊपर आपको दिखेगा फिनलैंड, यहाँ है फिनलैंड। तो हमारा ए के ऑप्शन मैच हो गया है कि गल्फ ऑफ फिनलैंड के पास में हमें पड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग। यहाँ पे है स्टॉकहोम और ये है बाल्टिक सी और ये है स्वीडन जिसकी कैपिटल है स्टॉकहोम। तो हमारा सेकंड ऑप्शन मैच कर गया है, स्टॉकहोम है बाल्टिक सी के पास में। देखिए यहाँ पे है ओस्लो जो कि है कैपिटल नॉर्वे की, ये है आपका पूरा नॉर्वे, पर आप नोटिस करिए कि यहाँ है नॉर्वेजियन सी और यहाँ है ओस्लो, तो इसीलिए हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो गया है, ओस्लो नॉर्वेजियन सी के पास नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया है 1 और 2 ओनली, दैट इज सेंट पीटर्सबर्ग मैच करता है गल्फ ऑफ फिनलैंड से और जो स्टॉकहोम का पेयर है वो मैच करता है बाल्टिक सी से, लेकिन ओस्लो नॉर्वेजियन सी के पास नहीं है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए मेरे द्वारा बनाए हुए हाईली कॉन्सेप्चुअल वीडियोस ज्योग्राफी के ऊपर देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से केमिसेडो ऐप डाउनलोड करें।